जो गांव के जो लोग थे वो बोलते थे कि का पढ़ावत हवा लिखावत हवा कलेक्टर बनी काम करे था हमारे। लेकिन हमारे बाप की जो पिताजी हमारे थे वो कहते थे कि जायदा हम ना पढ़ ली लिख ली, कम से कम हमारे लड़का पढ़ी लिखी तो उस यार हुई। तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, पूछा तुम्हारी जात क्या है, तो बोला मैंने, पिताजी बोले राजभर है, मैं अभी इतना छोटा था मेरे को इतनी ज्ञान नहीं थी। तो बोले तुम्हारा काम क्या है, ये क्या है, नहीं होगा। तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था उस वक्त, वो एडमिशन नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर ने कुछ जो मेरे रूम मालिक थे उनसे बोला तो मेरा एडमिशन हुआ, 89 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय राजभर लोगों को बहुत, हमने भी उस चीज़ को बहुत ही गहराई से देखा कि हमारे बिरादर को कोई जानता नहीं है और कैसे जानेगा। आज एक दूसरे से हम लोग कनेक्टिंग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ लोग क्या बहुत लोगों ने जाना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का राजभर जी ब्रांड हो गए अभी। तो बम्बई में आए हैं तो कुछ सीखें, यहाँ आके क्या करें, कुछ डेवलप करें, मेरे आने वाली पीढ़ी में कम से कम कुछ डेवलप करें। मैं आया एक खोली में रहा, भाड़ा देके कैसे गुजारा बसर किया, कुछ ऐसी करो कि कुछ यहाँ आप कभी आए तो अपना खुद का रहे, वजूद रहे कि हाँ मेरा है भाई, ये अमची मुंबई ना, ये अमची में मुंबई है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय भिवंडी सोनाले में है और हमारे साथ है मकर ध्वज राजभर उर्फ टार्जन जी हैं, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, खुद का बिजनेस है, डेरी की दुकान है, किराना स्टोर है, साथ ही साथ और भी कुछ करते हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं इन्हें। मिलेंगे और जानेंगे आखिर मल्टी टैलेंट कैसे करते हैं, इतनी जिम्मेदारियां लेके कैसे चलते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, आपका परिचय हमारे दर्शकों के। मेरा नाम मकरधर राजभर है, मैं राजभर एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं आप सभी का, भाइयों बड़े छोटे बड़े। और मैं भिवंडी में पढ़ा लिखा भी हूं और कुछ गांव में भी मैंने पढ़ाई लिखाई की। लेकिन मैं बड़ा था, मेरे बहुत गरीबियाँ थी उस समय, मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की है मैंने, और वो चीज़ों को भी देखा है नीचे से ऊपर तक जी। और बड़ा होने के नाते दो भाई हैं मेरे, और भाई हैं, दो बहनें थी, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। फिर धीरे धीरे मुंबई आया, मुंबई में मैंने पहले अकाउंट्स में काम किया कंपनी में, फिर उन्हीं के पास मैंने मैनेजर पोस्ट पे अभी फ़िलहाल मैं हूँ। और दो भाई हैं मेरे जो छोटे मेरे से, उनको मैंने दोनों को जॉब दिया, और एक को आदर्श किराना स्टोर और एक आयुष मनी ट्रांसफ़र और एक अभी राजभर जी डेरी मिल्क की ओपनिंग किया मैंने अभी जस्ट इसी साल 2024 में 1 जनवरी को मैंने ओपनिंग किया उस चीज़ की। क्या बात है, राजभर जी आज एक ब्रांड बन चुका है और उसी ब्रांड को हाईलाइट कर रहे हैं राजभर जी के नाम से। हाँ जी, मैं राजभर को बहुत चाहता हूँ कि मेरे जो भाई बंधु जो बेचारे, मैंने देखा है वो चीज़ों को। जब मैं मुंबई में 89 में आया था तो मेरा एडमिशन हो रहा था इंग्लिश मीडियम में, जयदेव स्कूल में। तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, पूछा तुम्हारी जात क्या है, तो बोला मैंने, पिताजी बोले राजभर है, मैं अभी इतना छोटा था मेरे को इतनी ज्ञान नहीं थी। तो बोले तुम्हारा काम क्या है, ये क्या है, नहीं होगा। तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था उस वक्त, वो एडमिशन नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर ने कुछ जो मेरे रूम मालिक थे उनसे बोला तो मेरा एडमिशन हुआ, 89 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय राजभर लोगों को बहुत, हमने भी उस चीज़ को बहुत ही गहराई से देखा कि हमारे बिरादर को कोई जानता नहीं है और कैसे जानेगा। आज एक दूसरे से हम लोग कनेक्टिंग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ लोग क्या बहुत लोगों ने जाना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का राजभर जी ब्रांड हो गए अभी जी। इस समय की बात है, उस समय में इस समय में बहुत फर्क बहुत यस, इसको मैं स्किप करता हूँ। और हम लोग को मिलना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी भाई हो अगर कभी अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसको साथ कंधे से कंधा मिलाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि मेरे को नहीं तकलीफ है, जाने तो उसी को तकलीफ है। मेरा फ्रेंड है प्रदीप भाई, जो प्रदीप राजभर जो है, हम लोग फ्रेंड है, एक दूसरे को कभी भी रहता है तो कुछ मदद वो भी मुझे करता है, मैं भी करता हूँ, और करना चाहिए एक दूसरे को हर चीज़ को। क्योंकि बम्बई में हम आए हैं तो बम्बई में आए हैं तो कुछ सीखें, यहाँ आके क्या करें, कुछ डेवलप करें, मेरे आने वाली पीढ़ी में कम से कम कुछ डेवलप करें। मैं आया एक खोली में रहा, भाड़ा देके कैसे गुजारा बसर किया, कुछ ऐसी करो कि कुछ यहाँ आप कभी आए तो अपना खुद का रहे, वजूद रहे कि हाँ मेरा है भाई, ये अमची मुंबई ना, ये अमची में मुंबई है, भी मुंबई। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कोई बोले तो मराठी में मैं बोलता हूँ मराठी, भोजपुरी बोलेगा भोजपुरी बोलूँगा, इंग्लिश बोलेगा इंग्लिश बोलूँगा, हिंदी बोलेगा हिंदी बोलूँगा, जो भाषा बोले वो भाषा बोलता हूँ। मेरा कोई भी भाषा का तुरंत
ट्रांसलेट करता हूँ जी, इसलिए हम इन्हें मल्टी टैलेंटेड कह रहे हैं। अब आएंगे आपके जीवन पे, जैसा आपने कहा कि घर के बड़े और जिम्मेदारियाँ, कैसे आज आपने अपने भाइयों को भी एक अच्छी लाइन दे दी, खुद आप जॉब कर रहे हैं, एक परिवार को लेके चल रहे हैं, जब आए थे तब से जिम्मेदारियाँ करते करते आज आपने सबको सेटल कर दिया, संघर्ष बताइए। संघर्ष देखिए, मैं जब बॉम्बे में 89 में आया तो वापस मैं 97 में वापस गांव चला गया। मेरे फादर जो बड़े पापा थे वो रेलवे में सर्विस करते थे, बीटी में, और मेरे फादर थे जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माँ आज भी पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, उसको कुछ नहीं आता था, मम्मी को पापा दोनों। मेरे फादर इसी भिवंडी में पावर लूम चलाते थे, 4x1 जो जापानी के नाम से है। तो मैं मुझे मेरे जो गांव के जो लोग थे वो बोलते थे कि कहाँ पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ था, कलेक्टर बनी, काम करे था हमारे, लेकिन हमारे बाप की जो पिताजी हमारे थे वो कहते थे कि जायदा हम ना पढ़ ली लिख ली, कम से कम हमारा लड़का पढ़ी लिखी तो उस यार हो, हम तो खुदे ना पढ़ लें तो हम क्या बड़ा अफसोस होला, लेकिन कम से कम हमारे लड़कवा तो पढ़ लिख के कुछ लायक होके। कभी बहुत सारे लोग बोलते थे कि कहाँ पैसा खर्चा करत हुआ, तो पिताजी बोलते थे कि अरे जायदा पढ़े दा। पिताजी ने हमें बेचारे, उनके आज भी आभारी हूँ और ज़िंदगी भर तो आभारी रहना ही है। माता पिता कभी भी आप आभारी हैं, जो जिसने माँ बाप का सेवा नहीं किया वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो फिर मैं बॉम्बे से 97 से फिर मेरे को कख पढ़ने नहीं आता था, मैं इंग्लिश में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम में। तो गाँव में जो मेरे फ्रेंड थे वो लोग मुझे बहुत मजाक करते थे कि हिंदी में नहीं लिख पाता था, आलेख बोलते थे तो कुछ उल्टा सीधा लिखा जाता था मेरे को। फिर एक मार्गदर्शक, एक दूसरे की कुछ बातों को सुन के खाली नहीं होता है, उसको सुन के ग्रहण करने के बाद आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते फिर मैं पढ़ाई लिखाई किया, फिर वापस मैं एमए किया, एमए करके 2008 में मैं मुंबई में आया वापस। कुछ ऐसी स्थितियाँ ख़राब थी, अब मैंने कभी काम नहीं किया था, कभी फादर ने मेरे को कभी काम नहीं कराने दिया था, भले गरीबी थी, अलग कर दिए थे, मड़ाई चढ़ाई जैसे भी रहते थे, जीवन करते थे, यापन करते थे। फिर मैं बम्बई आया, तो बम्बई आने के बाद मैं बड़ा था सबसे, दो मेरी बहन छोटी थी, उसके बाद दो भाई छोटे थे। फिर मैंने अपना यहाँ पे आके मैंने सर्विस, क्योंकि मैंने कंप्यूटर वहीं से 2004 से मैंने डिप्लोमा होल्डर करके आया था मैंने, और मैंने एक इलाहाबाद में तारा एनजीओ का सर्विस को रिजाइन दे के मैं बॉम्बे आया था, रिजाइन दे के मैं सर्विस को वापस यहाँ बॉम्बे आया था। तो बॉम्बे आने के बाद मैंने अकाउंट्स में काम किया, अकाउंट्स में करते करते फिर मैं 2015 में मैं मैनेजर पोस्ट पे बना। फिर मैंने सोचा मेरे दो भाई भी हैं, उनको भी साथ लेके चलना है और सारे परिवार को लेके चलना है। फिर मैंने पहले आदर्श किराना स्टोर डाला, आयुष मनी ट्रांसफ़र डाला, फिर मैंने देखा दोनों भाई चलो सेटल हो जाएंगे, कमा रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं, मैं तो मैनेजर पोस्ट पे हूँ, मेरे मतलब कुछ तकलीफ़ें आती है बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि सब आप लॉस नहीं होगा, लॉस होता है तो मैं रिकवरी कर लेता हूँ अपने मैनेजर पोस्ट से। फिर मैं धीरे धीरे मैंने अपना खुद का एक बोला कि चलो दो हो गए तो एक डेयरी भी डाल लेता हूँ दूध की, कम से कम दूसरे से खरीदने से अच्छा है अपन भी एक दो लीटर पीते हैं तो साला एक डेयरी डाल देते हैं। तो फिर मैंने राजभर जी के नाम से मैंने डाला कि जो कुछ लोग देखें तो इससे कुछ सीखें कि हाँ भाई राजभर भाई भी ब्रांड है कोई, तो मैंने राजभर जी के नाम से डेयरी डाला 2024 में 1 जनवरी को ओपनिंग किया।